प्रखंड के बोरियाडी पंचायत अंतर्गत मुक्तापुर मोड़ में ईद मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता चंदन क्यारी प्रखंड की पूर्व मुखिया संघ के अध्यक्ष देवाशीष सिंह तथा संचालन जिला परिषद प्रत्याशी अब्दुल बारी सिद्दीकी ने किया। मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में प्रखंड प्रमुख निवारण सिंह चौधरी तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में झामुमो नेता विजय रजवार उपस्थित रहे। इस मौके पर निवारण सिंह चौधरी ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि चंदन क्यारी का इतिहास गवाह है कि ईद, दीपावली, दुर्गा पूजा, होली पर्व सामाजिक सौहार्द पूर्व वातावरण कायम रखते हुए हर्षोल्लास के साथ हमेशा सभी वर्गों के लोगों द्वारा मनाते आए हैं। आज तक एकाध छोटे घटनाओं को छोड़कर किसी भी त्योहार में बेतुका बयान या हुड़दंग गतिविधियों के चलते विवादास्पद का कारण नहीं बना। अगर हुआ भी है तो दोनों समुदायों के प्रबुद्ध जनों द्वारा आपस में बैठकर समझौता कर लिया गया। बाहरी शक्ति को हवा देने का मौका नहीं मिला है। चौगिया में आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि ये परंपरा कायम रहेगी। वहीं समाज सेवी सह पूर्व मुखिया संघ अध्यक्ष देवाशीष सिंह ने कहा कि ईद उल फित्र का पर्व हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ सम्पन्न हुआ। मस्जिद में बड़ी तादाद में लोग नमाज अदा करने पहुंचे। सभी के चेहरे पर मुस्कान देखी गई। सुबह से ही मुस्लिम समुदाय के बच्चे, नौजवानों, बुजुर्ग सभी ने कुर्ता पजामा व टोपी पहनकर मस्जिद में पहुंचे। आपस में समरसता कायम रखते हुए हिंदू मुस्लिम एक दूसरे से गले मिलाते हुए नजर आए। अमन चैन और आपसी भाईचारे का संदेश देता इस पर्व में दो समुदाय आपस में गले मिलाते हुए एक दूसरे के बीच मिठाई बांटी गई। मुस्लिम समुदाय पूरे एक माह चिलचिलाती धूप के बावजूद पाक महीने में रोजा रखकर चंदन क्यारी समेत संपूर्ण देशवासियों के लिए अमन चैन बने रहने की दुआ मांगते हैं। उन्होंने आगे कहा कि हम चंदन क्यारी के लोग बड़े ही भोले भाले होते हैं, विकास के कार्यों को सर्वोपरि मानते हैं, जो कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, चुनाव में हमेशा साथ उनका देंगे। मौके पर शांतिराम गयाली, राजीव राय, अमित सिंह, डॉक्टर संयम फैज, इमाम साहेब, अब्दुल कुद्दूस, शादीमानी अख्तर, मोहम्मद डॉक्टर सुल्तान, मुस्लिम नुरशेद अंसारी, हिकमत अंसारी, अब्दुल सत्तार, शाहिद अली, लालू कुमार गोप समेत दर्जनों लोग उपस्थित हुए। चंदन क्यारी से मुकेश कुमार महता की रिपोर्ट।